Değer sunar sence? आज से करोड़ों वर्ष पहले जब स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति की रचना की तो डिंडिम घोष के साथ कहा था, यत नार्याः तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत नार्याः तु तिरस्क्रियन्ते तत्र सर्वाः क्रिया विफला। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ नारी का तिरस्कार होता है वहाँ सारी क्रियाएं विफल हो जाती है। लेकिन अपने ही एक मनीषी के उद्घोष को इस देश के लोगों ने पौराणिक विकृतियों में अंधे होकर नकार दिया और तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए कि नारी वेद नहीं पढ़ सकती है, नारी आध्यात्मिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग नहीं ले सकती है। ये अनर्थकारी हुआ। स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं। यदि पुरुष शक्तिमान है तो उसकी शक्ति नारी है। हमारी संस्कृत का उद्घोष है नारी निर्मात्री भवति। नारी ही समाज का सृजन करती है। यदि नारी तपस्विनी है, योगिनी है, विदुषी है तो उसकी संतान भी तपस्वी, योगी और वीर होगी। यदि वो माया में आसक्त है, स्वयं को भोग्या मानती है जैसा कि समाज उसका चित्रण करता है, तो उसकी संतान निश्चित है कि भोगवादी प्रवृत्ति की होगी, और ऐसी संतान से आशा नहीं की जा सकती कि वो मानवता को कुछ दे पाएगी। आप सोचिए, एक वैदिक युग था जब इस देश में अपाला, घोसा, गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी, जिनके सामने बड़े बड़े वेदवेत्ता ऋषि भी नतमस्तक हो जाते थे। आज वह देश ऐसा हो गया कि हमने नारी को एक भोग्या समझ लिया, और वर्तमान काल की भौतिक नारी पशुओं के रक्त से बने हुए सौंदर्य प्रसाधनों को अपने होठों और गालों पर लगाकर अपने को शरीर को सुंदर बनाकर गौरवान्वित होती है। वो सोचती है कि मात्र यही उपलब्धि है। आप सोचिए, कुछ वर्षों के बाद शरीर में बुढ़ापा आ जाएगा तो उसकी शरीर की सुंदरता कहाँ जाएगी। हमारी संस्कृति ने नारी को वह गौरव दिया जो किसी को प्राप्त नहीं है। हिमालय की गुफाओं में रहने वाला एक सन्यासी चक्रवर्ती सम्राट को भी प्रणाम नहीं कर सकता, न ही वो संभव है अपने पिता को भी प्रणाम न करे, लेकिन माता के चरणों में तो उसका भी मत्था झुक जाता है। ऐसी नारी को जिसका गौरव समाज में सबसे ऊपर दिया गया, एक असहाय मूर्ति बन गई पौराणिक मान्यताओं के कारण। कितनी दुखद कहानी थी आज से 200 वर्ष पहले, जब नारी विधवा हो जाया करती थी, सबके लांछन सहन करती थी, और इसीलिए मैथिली गुप्त ने एक कविता लिखी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक मनीषी का कथन है, नारी तुम श्रद्धा हो केवल, विश्वास रजत पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कुछ वर्ष पूर्व पुरी के शंकराचार्य जी ने, निरंजन देव तीर्थ जी ने इस मान्यता का बहुत प्रतिपादन किया कि शूद्र नारी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, वेद पढ़ने से प्रतिबंधित किया। आप सोचिए, यह कितनी संकीर्ण मानसिकता है। यदि नारी ही शिक्षित नहीं है तो आधा समाज तो अशिक्षित हो जाएगा। वेद ने क्या कहा, यथा इमाम वाचम कल्याणीम आबदाम जनेभ्य ब्रह्म राजान्याभ्याम च शूद्राय च आर्याय च स्वाय च चरणाय च। मैंने इस कल्याणकारिणी वेदवाणी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और जो शूद्र से भी निम्न कहलाते हों उनके लिए भी है, सारे विश्व के लिए वेद है। लेकिन यह कहना कि नारी पढ़ ही नहीं सकती, नारी का जो पवित्र संस्कार ही नहीं हो सकता, हमने उसको तिरस्कृत किए रखा। जब हमारी माता अशिक्षित होगी, हमारी माता को ये पता नहीं कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको आत्मज्ञान का कुछ भी पता नहीं रहेगा, तो निश्चित है कि हम भी वैसे ही बनेंगे। शिवाजी को, महाराणा प्रताप को किसने तैयार किया? आखिर उनकी माताओं में वो संस्कार थे जो उन्होंने डाला। समाज की प्रथम शिक्षिका माता ही होती है। गर्भ में पलने वाला बालक माता के रहन सहन के अनुसार ही सारे संस्कारों को ग्रहण करता है।
यदि मातृशक्ति में आध्यात्मिकता जागृत हो जाए तो निश्चित है कि सारे संसार में आध्यात्मिकता जागृत हो जाएगी। एक विद्वान ने कहा था कि यदि आप मुझे 60 आदर्श माताएं दें तो मैं आपको एक आदर्श राष्ट्र दे सकता हूँ। जीजाबाई के बिना शिवाजी की कल्पना नहीं की जा सकती। राणा को, महाराणा प्रताप को तैयार किसने किया? उनकी माता जी ने। आज दयनीय स्थिति इतनी है कि आज की माताएं अपने ही बच्चों के सामने अश्लील दृश्य देखती हैं, उनको काकरेज से डराती हैं, भूत से डराती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे वीर बनेंगे, कैसे योगी बनेंगे, कैसे परमहंस बनेंगे, कैसे विद्वान बनेंगे? कभी समय था जब जनक की सभा में या जवलक से जिसे शास्त्रार्थ हो रहा था और गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देने में महर्षि या जवलक भी अपने को अक्षम पा रहे थे और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए गार्गी को कहना पड़ा था कि सभा में या जवलक जैसा कोई वेदवित्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी कि या जवलक जी ने मन ही मन अपनी हार मान ली थी। यदि नारी को शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो परिणाम क्या होगा? सारी समाज का विनाश। यदि हम संसार में आध्यात्मिकता का संचार करना चाहते हैं, आडंबरों को हटाना चाहते हैं, तो पहले नारी शक्ति को जागृत करना होगा और हमारी मातृशक्ति को भी यह ध्यान रखना होगा कि वे अपने शरीर को रंग करके सजाने वाली तितलियां नहीं हैं। वो इस ब्रह्मांड को एक दिशा देने वाली है, सारे समाज को दिशा निर्देश करने वाली है। वो पुरुष की माता हैं, पूज्या हैं। भगवान राम ने एक बार कहा था जब लंका में विजय करके लौटने लगे तो लक्ष्मण ने प्रशंसा की, देखिए प्रभु कितनी सुंदर लंका है, सोने की है। राम के मुख से बरबस ही निकल पड़ा कि लक्ष्मण, यह जो सोने की लंका है यह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपिगरीषि, माता और मातृभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये भगवान राम के वचन है। हमने भुला दिया अपनी मातृभूमि की गरिमा को, अपनी उस जननी की गरिमा को जिसने हमने हमारे पंचभौतिक तन का निर्माण किया है। हमने उसे अशिक्षिता बना दिया, संस्कार विहीन बना दिया। उसका स्थान हमने केवल चूल्हा चक्की करने और प्रजनन तक ही सीमित कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब तक समाज नारी शक्ति को आध्यात्मिकता के शिखर पर नहीं पहुंचाएगा, उसको शिक्षित और संस्कारित नहीं करेगा, तब तक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। हमारे निजानंद संप्रदाय का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि 300 वर्षों में कभी नारी शिक्षा की तरफ सोचा ही नहीं गया और आज तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जो मुख से कहने में भी नहीं आती। न जाने कितने पुरुष सुंदर साथ ने अपनी घोषणा कर रखी है कि मैं राज्य हूँ, कितनी बहनें अपने को मानने लगी हैं कि मैं श्यामा जी हूँ। एक विकृति है, अक्षम्य विकृति। चाहे कोई पुरुष सुंदर साथ हो या महिला सुंदर साथ, शरीर से सबको परे होना चाहिए और सबको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो जीव है वो स्त्री और पुरुष दोनों की परिधि से परे है। वेद कहते हैं तुम पुमानम असि, तुम स्त्री असि, तुम कुमारम उत्वा कुमारी, तुम जीर्णेन दंडेन वंचते वंच से, तुम जातो भस विस्थो मुख। हे जीव, कभी तू पुरुष का रूप धारण करता है, कभी तू स्त्री का रूप धारण करता है, कभी तेरे द्वारा धारण किया हुआ तन बालक के रूप में दिखता है, कभी युवावस्था को प्राप्त करता है, कभी तू योग बल से अनेक रूपों को धारण भी कर लेता है। तुम जातो भस विस्थो मुख, अनेक रूपों को धारण करने वाला तो बन जाता है। वैसे ही शरीर स्त्री का हो सकता है, शरीर पुरुष का हो सकता है, लेकिन चेतना दोनों की एक समान है। आकृति में अंतर हो सकता है क्योंकि स्थूल मांस का पिंड है। हाँ, पुरुष का तन जब जीव को मिलता है तो उसको पुरुषों वाले संस्कार आने लगते हैं क्योंकि उसका चिंतन अपने शरीर को देखकर पुरुषों वाला बन जाता है। जैसे एक ही जीव जब गाय या बैल की योनि में जाता है तो अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार
या अपने माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार के अनुसार वो घास खाना प्रारंभ कर देता है। वही जीव यदि सिंह की योनि में जाए या भेड़िए की योनि में जाए तो अपने माता पिता या अपने वंशानुगत संस्कारों को लेकर मांस खाना प्रारंभ कर देता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो इस जन्म में पुरुष हैं वे सभी जन्मों में पुरुष ही रहे हैं, या इस जन्म में जो स्त्री हैं वो सभी जन्मों में स्त्री ही रहे हैं। वो तो संसार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दो पहिए हैं। इसलिए शिक्षा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए था। सब सुंदर साथ को सोचना चाहिए कि हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप है, चाहे वो पुरुष का तन हो या स्त्री का तन हो, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छप की भावना करनी चाहिए। किसी पुरुष को न तो अकेले राज्य बनना चाहिए और न किसी महिला को अकेले श्यामाजी बनना चाहिए। हम हर मातृशक्ति का सम्मान करें। यदि हमसे उम्र में बड़ी है तो उसको माँ के रूप में देखें, समान उम्र की है तो बहन के रूप में देखें, और यदि छोटी उम्र के रूप में है तो उसको पुत्री के रूप में देखें, लेकिन सम्मान करें उसका कि यह मातृशक्ति है, आने वाली संतति को पैदा करने वाली यही है, और वो शिक्षित होगी संस्कारित होगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये पहला अवसर है 300 वर्षों के हमारे निजानंद संप्रदाय के इतिहास में जब शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर 12 साल की अवस्था से लेकर 65 साल तक की माताओं की, ताकि हम वाणी वितक संस्कृत या अन्य ग्रंथों का अध्ययन करके अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी को संसार में गुंजित करें। इसके लिए महान त्याग की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण की भावना नहीं होगी उस अक्षरातीत के प्रति कि हम जीवन के सुखों का त्याग करके, यह बात ध्यान में रखिए, जिसको हम सुख समझते हैं वस्तु वह दुख होते हैं। कहा है व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में, यच्च काम सुखम लोके दिव्य महत न रते सोटसी कलाम, कि जो संसार में लौकिक विषयों का सुख है, तृष्णा छयात न रहते सोटसी कलाम, यदि लौकिक सुखों की तृष्णा हम छोड़ दें तो उसके भोग करने से जितना सुख प्राप्त होता है उससे 16 गुना सुख उस तृष्णा का त्याग करने में होता है। मैं माताओं से विशेष आग्रह करूंगा कि जो उनकी मूलभूत कुछ कमजोरियां होती हैं, चंचलता तीक्ष्णता ईर्ष्या द्वेष, इन विकारों को छोड़ें, अपने मन को जीतें, जीवा अन्य इंद्रियों को जीतें, राज्य का ध्यान करें। जब वो राज्य के प्रेम में डूबेंगे तो शरीर से परे हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से वे मानवीय विकारों से भी परे हो जाएंगे। जैसे जैसे उनके हृदय में मूल स्वरूप अक्षरातीत का प्रेम आएगा वैसे वैसे उनके हृदय में प्रीतम की शोभा बस जाएगी। इसलिए सभी माताएं बहनें या छोटी बच्चियां जो श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र आत्मजागृति महिला मंडल के स्थान वडोदरा में शिक्षा ग्रहण करने जा रही हैं, सबके लिए मेरी शुभकामना धाम धनी के चरणों में भी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और यहाँ से कई विदेशी माताएं निकलें जो वाणी का ध्वज लेकर सारे संसार में गुंजित करें। इसके लिए सबको वर्ग भेद, प्रांत भेद, जाति भेद और ऊंच नीच की भावना से अलग होना होगा। कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, यह कोई मान्यता नहीं रखता। कौन किस देश का रहने वाला है, किस प्रांत का रहने वाला है, गुजराती हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, यूपी का हो, बिहार का हो, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है सभी सुंदर साथ हैं। कौन किस जाति बिरादरी का है, ये पूछना भी अपराध है। सुंदर साथ के समूह में कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में तो मानव की एक जाति है। केवल सुंदर साथ ही नहीं, किसी भी मत पंथ में मानवता के रूप में ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। कहीं भी जाति या अमीरी गरीबी का भेद करना कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक पाप की तरह हमें ले जाता है। यदि यही विकृतियाँ रहेंगी तो समाज कभी भी संगठित नहीं हो सकता। समाज को सही निर्देश देने के लिए आवश्यक है हम सबको आत्मिक दृष्टि देखें, आत्मिक रूप से एक दूसरे से प्रेम करें, अपने हृदय में किसी के लिए घृणा न करें बल्कि सबके लिए शुभकामना करें। यदि कोई ज्ञान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो हम सोचें कि हमारे लिए ये गौरव की बात है। दूसरे की खुशी में हम अपना
आनंद खोजें और दूसरे के दुख में हम दुखी हों, तो निश्चित रूप से संसार में एक समरसता की धारा बहेगी जो सबको अपने प्रेम के आंचल में समेट लेगी और हमारा समाज हमेशा सुखान्वित होता रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम जो कल से प्रारंभ किया जाएगा, आज उसका उद्घाटन का दिन है, कल से विधिवत शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाए और सब एक दूसरे को तन मन धन से सहयोग करें। मैं सब सुंदर साथ से भी आग्रह करूँगा कि प्राणनाथ ज्ञान केंद्र में जिस तरह से बहनों की शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, सभी उसमें सहयोग करें और ब्रह्मवाणी को फैलाने के इस पवित्र कार्य में एक सहभागिता यदि दर्शाते हैं तो समाज के लिए एक आदर्श होगा और राज्य का वरदहस्त भी उनके ऊपर रहेगा।